प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा पुराने कार्यकर्ताओं से मिलकर नब्ज टटोलने कुरुक्षेत्र पहुंची। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलकर बातचीत की। कुमारी शैलजा ने विश्वास जताया कि जल्द ही जिला व ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस का संगठन बनेगा। पार्टी के प्रति निष्ठा के साथ जो कार्य करते हैं उनको उठाया जाएगा। सरकार पर हमला करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी सरकार है। उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि एकत्रित होकर कंधे से कंधा मिलाकर आवाज उठाएंगे। आज प्रदेश के सामने चुनौती है कि देहात की अनेकों समस्याएं हैं। तीनों कृषि कानूनों को सरकार द्वारा किसानों पर थोपा गया है। महंगाई से हर आम नागरिक प्रभावित है। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि अच्छे दिन कहां लुप्त हो गए हैं जिनका सपना नरेंद्र मोदी ने दिखाया था। निजी हाथों में सभी संस्थाओं को बेच देंगे तो देश कैसे चलेगा। कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कर्मचारियों को विश्वास में नहीं ले पाई। आज कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। लोकतंत्र है, यदि सरकार बात नहीं सुनती तो लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाते हैं। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि लच्छेदार भाषण व 2.5 घंटे से ज्यादा बजट पेश किया लेकिन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा। कुरुक्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हुए शैलजा ने चुटकी लेते हुए कहा कि आज कुरुक्षेत्र को लेकर एक चुटकुला खूब चल रहा है कि यदि भगवान श्री कृष्ण अपना रथ लेकर ज्योति सर जाना चाहे तो कुरुक्षेत्र की फटी सड़कों पर नहीं जा सकते। हर जगह हमारे लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ी उत्सुकता से और तत्परता से जो आम लोगों की बातें हैं, समस्याएं हैं, उनको उठाते हैं। पार्टी के प्रति सभी लोग जहां एक और अपनी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, दूसरी ओर जो हमारा कर्तव्य है, सभी कांग्रेस जन, हमारी बहनें भी उसमें शामिल हैं, सभी लोग मिलकर समय समय पर चाहे कोई भी मुद्दे हों, हमारे लोकल मुद्दे हों या राज्य के मुद्दे हों, राष्ट्रीय मुद्दे हों, भारतीय जनता पार्टी जो ये जन विरोधी सरकारें हैं उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों की आवाज़ को हमारे सभी लोग बुलंद करते हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, हम सभी लोग पहले कार्यकर्ता हैं उसके बाद नेता हैं, तो हम सभी कार्यकर्ता होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों की बात को उठाएं। और आज के दिन चुनौती भी यही है, जहां एक ओर हमारे कृषि क्षेत्र है, देहात है, उनकी समस्याएं हैं, तीनों ये काले कृषि के कानून जो भारतीय जनता पार्टी ने देश के ऊपर, किसान अन्नदाता के ऊपर, मजदूर के ऊपर थोपे हैं, एक ओर ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे हमारे हरियाणा जैसे राज्य में जो कि कृषि बाहुल्य राज्य है, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा प्रभावित किया है यहाँ की अर्थव्यवस्था, वहीं दूसरी ओर हम आम नागरिक की बात करें, चाहे मिडिल क्लास है या गरीब, आम नागरिक बढ़ती हुई महंगाई से इतनी बुरी तरह से प्रभावित है कि आज के दिन लोगों को नज़र नहीं आता कि वो अच्छे दिन कहाँ लुप्त हो गए जिनका एक सपना भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। मैम, बैंकों की हड़ताल रही, करोड़ों रुपए का फटका लगा है, नुकसान हुआ है, लेन देन प्रभावित हुआ है, तो क्या कहेंगे? हड़ताल करने को क्यों मजबूर हुए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति इन्होंने बना ली है प्राइवेटाइजेशन की, अपने आप में ये बात नहीं, लेकिन आप पूरे देश को, सभी संस्थाओं को निजी हाथों में बेच दोगे तो कहीं ना कहीं एक तो विश्वास की भी कमी है कि अगर पूरे देश भर में हमारा जो भी बैंकों का एम्प्लॉय है, सारी एसोसिएशंस ने हड़ताल की है, आप उनको विश्वास में नहीं ले पाए,
आप उन्हें अपनी बात नहीं समझा पाए तो क्यों वो आज के दिन हड़ताल करने को मजबूर हैं, इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना है। मैम, भाजपा और जेजपा के नेताओं को घुसने दिया जा रहा है, उनके विरोध किया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब देखिए, ये लोकतंत्र है, अगर आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनते तो लोग मजबूर हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं अपनी बात रखने की। अलग अलग तरीके हैं। अब ये नेताओं का अगर इतना विश्वास होता अपने आप पर, अपने इन नीतियों पर, इन कानूनों पर और लोगों पर। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।